नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एन सुनीता टेरेस गार्डन में। और आज हम बात करेंगे पॉचिलका मॉस रोज या 9 o'clock प्लांट की, जिसकी अब देखभाल आवश्यक है। पॉचिलका मॉस रोज या 9 o'clock प्लांट की देखभाल आप जनवरी के बाद जैसे ही ठंड कम होती है कभी भी कर सकते हैं, और ये अब से लेकर अगस्त तक इसमें थोड़ा सा खाद वगैरह देने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि ये गर्मियों में और बरसात में खूब फ्लावरिंग कर सके। और ये हमारा मॉस रोज का प्लांट था, एक हैंगिंग बास्केट क्या वो बॉटल को ही काट के मैंने बना रखा था, उसी में ये था। तो ये पूरे जाड़े पर उसी में पड़ा रहा, गर्मी जाड़े में बरसात में लगाया था। तो फिर अब कुछ टहनियाँ इसकी सूख गई हैं और कुछ हरी टहनियाँ दिख भी रही हैं, लेकिन अभी इसको फिर से लगाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इन सारी पुरानी टहनियों को हटा देना होगा। जो भी दिख रहे हैं पुरानी घास वास निकल गई है, इसको हटा देना है। और इस तरह से अब ये सिर्फ पत्तियाँ जो नई निकल रही हैं वो रह गई हैं, साथ ही इसके जड़ को भी जो बहुत फैल गई हैं। हालांकि छोटे बर्तन में था तो ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हम इसकी जड़ को भी काफ़ी उसमें से निकाल देंगे, क्योंकि मॉस रोज तो ऐसा है कि आप सिर्फ ऐसे इसके किसी भी टहनी को निकाल कर कहीं पर भी लगा देंगे तो वहाँ पर आसानी से लग जाता है। तो इस तरह से ये इसका ज़्यादातर भाग हमने निकाल दिया है, और जो ये फालतू की जड़ें हैं इनको भी हटा देंगे, क्योंकि जड़ तो इससे दोबारा से भी बन जाएंगी दोबारा से। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए मिट्टी तैयार करेंगे। मिट्टी जो हमारे पास ये है, और इस मिट्टी में गार्डन सॉइल के अलावा सिर्फ गोबर की खाद पड़ी हुई है, मिली हुई है, और इसको हम अच्छे से मिलाकर और एक गमले में इस प्लांट को शिफ्ट करेंगे। तो ये एक गमला है, और गमले में देखिए इसका ड्रेनेज होल ठीक है, और हम इस पर एक टीकरी रखेंगे। ड्रेनेज होल पर ये एक टीकरी रख दी है, और अब हम इसमें ये गोबर की खाद की मिट्टी, मिक्स की हुई मिट्टी भरेंगे इस गमले में। आपके पास अगर गोबर की खाद नहीं है, वर्मी कंपोस्ट है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। और कुछ ये हमारी मिट्टी गमले की निकली हुई है, जिसमें कुछ पत्तियां वत्तियां भी हैं, मैं ऐसे ही सब डाल दे रही हूँ, गोबर की खाद भी है और ये सब सड़ती गलती रहेंगी। और अब इसमें इस प्लांट को हम ऐसे ही उठाकर रख देंगे और किनारे किनारे मिट्टी से दबा देंगे। अच्छी तरह से इसको किनारे किनारे दबा देंगे। और बस इसमें अब पानी दे देंगे। पानी देने के बाद अब इसको हम फुल सन में रखेंगे, इसको छाया की आवश्यकता नहीं है अब इसको धूप की आवश्यकता है, और धूप में फिर अब नई नई ब्रांचेस इसमें निकलेंगी और बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि हमने फिर से इसके रिपोर्टिंग कर दी है। तो अब कुछ दिन बाद आपको इसका अपडेट दिखाएंगे मित्रों। और कैसा लगा आपको यह वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।